हेलो एवरीवन, दिस इज़ विजयलक्ष्मी शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन चैनल राष्ट्र डिफेंस एकेडमी। राष्ट्र डिफेंस एकेडमी एक बोर्डिंग स्कूल है जयपुर राजस्थान में। हम यहाँ पे स्कूलिंग के साथ साथ हमारे बच्चों को प्रिपेयर करते हैं सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल एंड RIEMC के एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। RDA में एक टीम है वेल क्वालिफाइड टीचर्स की, जो कि अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं। एंड एट RDA हर मंथ के लास्ट संडे को हम लोग PTMs अरेंज करते हैं, जिसमें पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों के लिए। पेरेंट्स के जो भी डाउट्स रहते हैं, जो भी क्वेरीज रहती है, उनको हमने जॉट डाउन किया है और उन्हीं डाउट्स और क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए वी आर कमिंग विद अ सीरीज ऑफ वीडियोज वेयर वी विल बी मीटिंग आर फैकल्टीज हु आर गोइंग टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स एंड आर रिजॉल्व। इस फर्स्ट वीडियो में हम आज जुड़ने वाले हैं हमारी इंग्लिश फैकल्टी मिस्टर हरविंदर सिंह से। तो आइए उनका वेलकम करते हैं। So welcome Mr. Harvinder. Thank you so much ma'am. First I would like to congratulate you for the last year's results. Thank you so much ma'am. जी जी सर। तो सर आज के हम इस वीडियो में कुछ पेरेंट्स के डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, उनको रिजॉल्व करेंगे। जैसा कि PTMs के दौरान हमने फेस किया, आपने भी फेस किया फेस टू फेस पेरेंट्स के साथ जो उनके डाउट्स रहते हैं। सर मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगी, लाइक हाउ लॉन्ग हैव यू बीन विद RDA, कितने साल से आप हैं? मैम आई हैव बीन वर्किंग विद RDA सिंस 2017। Pre-COVID, we were working in different segments like NDA, Navy, Air Force. But after COVID, we were working in the entrance competitive exams like Sainik School, RMS. Yeah, okay sir. Sir, let's begin with the last year's paper. Ki sir, paper ka level kaisa tha? Ma'am, paper, apan dekhen comparative to paper was moderate. But jaise language ka paper hota hai, there are some changes in the paper. लाइक कुछ टॉपिक्स के लिए हमको लास्ट ईयर ये लग रहा था कि जो पेपर्स होंगे, जैसे कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे हम टेंस को या नरेशंस को काफ़ी उसमें हाई लेवल पर लेकर चलते हैं, लेकिन जो लेवल था पेपर का कुछ टॉपिक्स में वो बहुत बहुत नीचे था, लेकिन कुछ टॉपिक्स के अंदर जो लेवल था वो काफ़ी ऊपर, जैसे वॉकैप के जो क्वेश्चन आए थे दैट वॉज ऑलवेज गुड। तो ऑलमोस्ट इट्स मॉडरेट, पेपर वॉज मॉडरेट मैम। सर वो जरूरी भी है फिल्ट्रेशन के लिए, लैंग्वेज का पेपर है। यस मैम। सर कुछ जो लास्ट ईयर के पेपर एनालिसिस आपने किए, क्या कोई स्पेसिफिक चेंज आपने महसूस किया कि जो मतलब लास्ट ईयर आया वो उसके लास्ट ईयर नहीं आया था, या फिर आगे आने वाले में आएगा या नहीं आएगा, कोई एनी स्पेसिफिक चेंज नोटिस? मैम लैंग्वेज का जो पेपर है, लैंग्वेज के पेपर में बहुत ज़्यादा ऐसे डिफरेंसेस देखने को मिलते नहीं है। एक्चुअली सिक्स क्लास की अगर अपन बात करें तो देर आर 26 टॉपिक्स इन ऑल इंक्लूडिंग वोकैबुलरी। ओके तो क्वेश्चंस देर आर 25 क्वेश्चंस, और जो टॉपिक्स हैं ये कुछ सब टॉपिक्स भी हैं, जैसे अगर हम उसमें अगर हम नाउन एंड जेंडर पढ़ा रहे हैं तो हमको उनसे रिलेटेड और चीज़ें भी पढ़नी पड़ेंगी, नाउन एंड जेंडर से रिलेटेड भी, तो कुछ सब टॉपिक्स भी हैं। तो ये चीज़ तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पेपर में आती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो पेपर में छूटेंगी भी, हर टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आ सकता है। तो अभी जो हमको देखने को मिल रहा है तो इसमें से मिसलिनियस का पार्ट है कुछ काफ़ी ज़्यादा आने लगा है, वो कैप का पार्ट भी थोड़ा जो पेपर के अंदर वो इंक्रीज होने लगा है, और बाकी ऐसे बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है मैम, पेपर इज ऑलमोस्ट मोडरेट एंड सेम। सब वोकैबुलरी के लिए तो लाइक वी हैव एन नंबर ऑफ स्पेलिंग्स एंड एवरीथिंग, लाइक वी हैव सब टॉपिक्स इन दैट वोकैबुलरी आल्सो, सिनोनिम एंटोनिम्स एंड मेनी मोर, सो हाउ यू गाइस कोप अप विद दैट? मैम दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रामेटिकल टॉपिक्स एंड द वोकैबुलरी टॉपिक्स। ग्रामर के अंदर हमको एक रूल बच्चे को पढ़ाना होता है, बच्चा उस रूल को याद करेगा, उससे रिलेटेड हम बच्चे को एक्सरसाइज देते हैं, पर वीक देते हैं, पर मंथ देते हैं, हम 500 to 600 क्वेश्चंस ईच टॉपिक के हम बच्चे को देते हैं, सिंपल टू डिफिकल्ट लेवल, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं। वॉकअप की भी हम बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं, हमारे पास कुछ गेम्स हैं, कुछ ग्राफिक्स हैं जिनसे हम बच्चों को बताने की या समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे वॉकअप को याद करना है। लेकिन वॉकअप के अंदर और ग्रामर के अंदर जो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ग्रामर के रूल्स आप याद करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन वॉकअप एक वर्ड है, यू हैव टू लर्न दैट। आपको उस वर्ड को केवल याद करना पड़ेगा। या सो वी हैव मेनी टेक्निक्स, वी हैव गेम्स दैट दे कैन लर्न इजीली दैट पर्टिकुलर वर्ड्स। तो वॉकअप के साथ में कर रहे हैं वर्क लाइक एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, वन वर्ड्स, इनके हम 4 to 5,000 फॉर ईच टॉपिक हम बच्चों को करवा रहे हैं। बट वोकैब एक ऐसा टॉपिक है मैम, इट इज नॉट सर्टेन, हो सकता है हमने जो पढ़ा है उसमें से नहीं आया, हो सकता है कि हम जो 100 भी पढ़ के जा रहे हैं उसमें से भी एक या दो हमको मिल सकते हैं, तो इट इज अनसर्टेन इन वोकैबुलरी। सो बेसिकली यू हैव प्लान्ड सम ऑफ द क्लासरूम एक्टिविटीज वेयर चिल्ड्रन आर एंगेज्ड एंड दे आर लर्निंग एवरीडे न्यू वर्ड्स, यस मैम, रूट वर्ड्स, सिनोनिम, एंटोनिम, जेंडरनिम थ्रू स्मार्ट बोर्ड्स एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यू आर टीचिंग देम। ग्राफिकली एक्चुअली
समटाइम्स वी डू दैट, हम बच्चों को कुछ वर्ड्स दिए लाइक 5 to 6 वर्ड तो रेगुलर हमारे यूज आते हैं, लेकिन हम बच्चों को ये भी बोलते हैं, और मैं खुद भी जब क्लासरूम में पढ़ाता हूँ तो आई लाइक टू यूज द वर्ड्स जो बच्चों ने नहीं सुने हैं, ऐसे वर्ड्स को यूज करने के लिए, तो इससे बच्चों में भी क्वेरी होती है कि सर ने ये क्या वर्ड यूज किया है, तो उससे भी हम बच्चों को वो चीजें सिखाने के लिए कोशिश करते हैं। अच्छा सर, इस जगह जैसे पीटीएम्स में मैंने भी नोटिस किया है कि वी हैव चिल्ड्रन फ्रॉम ऑल अक्रॉस इंडिया, हमारे पास रीजनल बैकग्राउंड से भी है, गाँव से कई बच्चे हैं, तो सभी बच्चों का लेवल वेरी करता है, लाइक कोई इंग्लिश मीडियम से आ रहा है, कोई एकदम ग्रामीण परिवेश से है, तो सर उसका क्या मतलब आप कैसे स्ट्रेटेजाइज करते हैं उनके स्टडीज को? मैम और सब्जेक्ट्स में आई थिंक मुझे लगता है कि प्रॉब्लम नहीं होती होगी, लेकिन लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज के अंदर दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम एज अ टीचर आई फेस। श्योर श्योर सर। क्योंकि वी हैव द चिल्ड्रन फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, हमारे पास गुजरात से भी बच्चे हैं, पंजाब से भी बच्चे हैं, हर जगह से बच्चे हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम से नहीं है, दे आर फ्रॉम रीजनल बैकग्राउंड से आते हैं, तो उन बच्चों के साथ में ये प्रॉब्लम स्टार्टिंग में होती है, बट लेकिन हमारे यहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा होता है, टीचिंग मेथोडोलॉजी हमारी ऐसी है, हम उनको ग्राफिक्स से कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, कुछ बच्चों को हम कन्वर्सेशनल ऐसे वे के अंदर लेके जाते हैं, कुछ प्रैक्टिकल चीजें ऐसी सिखाने की कोशिश करते हैं, लाइक कि हम कोई प्रीपोजिशन का हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम प्रीपोजिशन पढ़ा रहे हैं, प्रीपोजिशन बेसिकली क्या कि दो चीज़ों के बीच में प्रीपोजिशन हमको ये बताता है कि उनकी, जैसे हम रूम के अंदर बैठे हैं तो रूम को और हमारा ये सिचुएशन पोजिशन को पोजिशन बेसिकली, तो जो बच्चा इंग्लिश बैकग्राउंड से सीबीएसई से है वो समझने की कोशिश करता है, लेकिन जो बच्चा एक बाहर के बैकग्राउंड से है उसके लिए एक प्रीपोजिशन वर्ड सुनना ही उसको वो वर्ड से ही एक ऐसा फियर फील करता है कि पता नहीं क्या है, लेकिन जब हम बच्चों को बताते हैं कि देख लाइक दिस इज अ पेन, इट्स इट इज ऑन योर ऑन माय पाम, इट्स टचेस इज ऑन, इफ इट डज नॉट टच इट्स ओवर एंड अबव, लाइक दिस वी हैव ग्राफिक्स, वी हैव सच टाइप ऑफ गेम्स दैट स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड। सर आई मस्ट से दैट यू आर यूटिलाइजिंग ऑल योर रिसोर्सेज इन एन इफेक्टिव मैनर for the children. Sir, if I ask, what is your strategy for this academic year's Sainik School paper? इस साल के लिए यह कि जो भी हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, एक हमारा प्लानिंग होता है, हम वर्क करते हैं उस प्लानिंग के ऊपर, वी हैव वीकली प्लान्स, वी हैव मंथली प्लान्स, सेशन प्लान्स, वी हैव रेगुलर प्लान्स। वीकली प्लान्स में हम लेसन प्लान बना के कौन सा टॉपिक हम बच्चे को पढ़ाने वाले हैं, वो लेसन प्लान बना के बच्चों के स्टैंडर्ड को भी ध्यान में रख के, कि रीजनल बच्चे भी हैं हमारे पास में, हमारे पास में सीबीएसई से बच्चे भी हैं, आईबी बोर्ड से भी हमारे पास, हर बोर्ड से हमारे पास बच्चे हैं, अलग अलग तरह के बच्चे हैं, और हर बच्चे की साइकोलॉजी अलग है, हर बच्चे का एक स्टैंडर्ड अलग है, उसके अकॉर्डिंग हम जो है हमारी स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं, बिकॉज स्ट्रेटेजी में भी चाइल्ड टू चाइल्ड डिफर। हाँ जी। और इसके बाद में हमारा जो सिलेबस है, सबसे पहला हमारा एक टारगेट होता है कि वी हैव टू कंप्लीट द सिलेबस बाय द टाइम दैट इज मिड ऑफ सेप्टेम्बर, वी कंप्लीट द सिलेबस। सो यू ट्राई टू फिनिश इट और टिल सेप्टेम्बर? वी नॉट ट्राई, एक्चुअली 95% वी डन द सिलेबस बाय द टाइम। ओके। After completing the syllabus and in between the syllabus, जब syllabus हमारा होता रहता है तो जो जो भी topics होते रहते हैं हम weekly उन topics का test लेते हैं, और जैसे जैसे जो जो topic होता जाता है हम previous topics को भी उस test के अंदर add करते रहते हैं, ताकि बच्चा previous topics को भी भूले नहीं, उनको भी वो continuously उसको revise करता रहे। उसके बाद में जैसे ही बच्चों का हमारा जब हम सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में हम बच्चों के फुल कोर्स जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो हम बच्चों के स्टार्ट कर देते हैं मैम। ऑन द पैटर्न जैसे सैनिक स्कूल के अंदर आता है, बिल्कुल वैसा ही, नॉट ओनली फॉर इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट्स को उसके अंदर हम स्टार्ट कर लेते हैं, उसके अंदर हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देते हैं, कुछ वैसा ही पैटर्न पे हम पेपर बनाने की कोशिश करते हैं जो सैनिक स्कूल के अंदर आता है। तो बच्चे के पास एक प्रैक्टिस करने का सेप्टेम्बर टू दिसंबर तक बच्चे के पास एक काफ़ी टाइम होता है प्रैक्टिस करने का, और जो हम पेपर लेते हैं बच्चों का हम उसी पैटर्न पे लेते हैं जैसे सैनिक स्कूल के अंदर होना है। तो ये कुछ स्टडी हर टॉपिक से रिलेटेड हम बच्चे को ऑलमोस्ट 500 to 600 क्वेश्चन देते हैं, उनके स्टैंडर्ड्स के बेसिस के, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उसके बेसिस के हिसाब से हम बच्चों को क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू, but do you take OMR based sheet test? Yes, ma'am. After September, जब भी हम इनका full course start करते हैं, वो OMR based sheet पे लेते हैं। So the fixed timing, yes, मैं आपको मैंने बताया, जैसा सैनिक स्कूल के अंदर होता है, बिल्कुल वैसा ही। Okay, okay. बिल्कुल वैसा ही, same timing, same वही time जिनको OMR fill करने के लिए मिलता है या paper करने के लिए मिलता है, same process, same time, same thing. So actually this will give them confidence to handle the paper, वो जो exam pressure कम हो जाएगा। बच्चे हमको आगे बताते भी हैं मैम, जब पेपर देने के बाद में बच्चे हमारे पास आते हैं तो उनको ये फील ही नहीं होता है कि वो पेपर देने के लिए गए थे, क्योंकि वो प्रैक्टिस उनकी सितंबर से ही चलती है रेगुलरली। हाँ जी 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 सर। हाँ जी, और ये वीक में नहीं होती है मैम ये प्रैक्टिस, हम ये प्रैक्टिस अल्टरनेटिव डेज के अंदर करते हैं। जैसे आज हमने टेस्ट लिया, बच्चे का फुल बोर्ड टेस्ट लिया,
आज उसका रिजल्ट प्रिपेयर करके कल तक बच्चों को रिजल्ट बता के और फिर बच्चों इंडिविजुअल उसकी हमें सबसे बड़ा पॉइंट में आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा जो हम ऐसा नहीं कि हमने रिजल्ट प्रिपेयर कर दिया और बच्चों को बता दिया और हमारा काम खत्म हो गया. नहीं, हम वहाँ पर इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज बच्चे की काउंसलिंग करते हैं, टॉपिक वाइज बच्चे की काउंसलिंग करते हैं. ये टॉपिक, ये क्वेश्चन, अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन गलत हुआ है तो इसके पीछे क्या रीजन रहा, बच्चे की क्या साइकोलॉजी थी, वो उस टाइम क्या सोच रहा था जबकि आंसर को दूसरा, तो ये चीजें पर हम वर्क कर रहे हैं. तो ये धीरे धीरे इन चीजों की प्रैक्टिस से काफी अच्छे रिजल्ट्स हमारे सामने आए मैम. जी जी, तो मतलब बच्चे भी काफी कंफर्टेबल होंगे सर आपके साथ डिस्कस करने के लिए, उनके जो चैलेंजेस है, प्रॉब्लम्स है. हाँ जी, हाँ जी मैम, बिल्कुल, बच्चे हमारे साथ में डिस्कस करते हैं. सर, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँ की इन शॉर्ट आपका जो टू गेट गुड रिजल्ट आपका क्या स्ट्रेटजी है, इन शॉर्ट? इन शॉर्ट वन वर्ड में ही मैं आपको बताया था, इट्स प्रैक्टिस. प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. हमने सेप्टेम्बर के बाद से कंटिन्यूसली बच्चों की प्रैक्टिस चल रही है, बच्चे प्रैक्टिस करते हैं एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट मैम. जैसे बच्चे धीरे धीरे करते हैं, उनको कोई डाउट्स होते हैं वो सॉल्व होते हैं और फिर एंड ऑफ द डे जब उनका टेस्ट एग्जाम होता है या पेपर होता है सैनिक स्कूल का या मिलिट्री स्कूल का, तो तब तक बच्चे इतने कॉन्फिडेंट हो चुके होते हैं कि मैंने आपको बताया कि उनको लगता ही नहीं कि आज वो पेपर देकर आए, उनको लगता है कि उनका एक रेगुलर प्रैक्टिस चल रहा है. बिल्कुल वैसा ही था सर. हमने अभी जितनी भी बात की भी ओनली फोकस्ड ऑन द एकेडमिक्स, लर्निंग, क्रैमिंग थिंग्स, सो व्हाट अबाउट देयर इमोशनल नीड्स एंड हॉस्टल एडजस्टमेंट्स? मैम, देयर इज अ वेरी गुड फैसिलिटी इन आरडीए एंड फर्स्ट थिंग आई मस्ट टेल यू कि इमोशनल अटैचमेंट बच्चों के साथ में करने के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे मैं खुद बच्चों के साथ में गेम्स टाइम के अंदर गेम्स खेलता हूं और टीचर्स भी खेलते हैं, तो एक बच्चे वो चीज़ें भी हमारे साथ डिस्कस कर पाते हैं जो उनके पेरेंट्स यहां पर नहीं है, तो उनको ये लगता नहीं है कि उनको पेरेंट्स की कमी बच्चों को फील हो रही है. उनके साथ लंच करना, ब्रेकफास्ट करना, डिनर करना, बच्चों की प्रॉब्लम्स को सुनना, जी सर, ये सारी चीजें हैं जिनसे बच्चा हमारे साथ में थोड़ा सा इमोशनली टच होता है और वो प्रॉब्लम्स हमको बताने की कोशिश करता है जिन प्रॉब्लम्स को वो फेस कर रहा है. ओके, दैट्स गुड थिंग सर. नाउ आई वुड लाइक टू रैप अप दिस सेशन विद दिस लास्ट क्वेश्चन, इज लाइक व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस बिटवीन आरएमएस इंग्लिश पेपर एंड सैनिक स्कूल इंग्लिश पेपर? एक्चुअली दिस इज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस इन आर पीटीएम्स, जो मैं हमेशा देखती हूँ कि सबकी क्वेरीज ये रहती है कि मैम आरएमएस के लिए क्या कुछ अलग प्रिपेयर करना पड़ेगा, सब सब्जेक्ट्स की रहती है बट आप सिर्फ इंग्लिश के बारे में मुझे कुछ बताइए कि क्या रहेगा उसका. जी मैम, आरएमएस और सैनिक स्कूल का जो पेपर है, टॉपिक्स आर ऑलमोस्ट सेम, टॉपिक्स वाइज उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, टॉपिक्स आर ऑलमोस्ट सेम. जो टॉपिक्स आरएमएस में है सैनिक स्कूल के अंदर भी वही टॉपिक्स हैं, बट थोड़ा सा पैटर्न में चेंजेस है. जैसे सैनिक स्कूल डज नॉट हैव ए फिक्स पैटर्न, जैसे मान लो कि सैनिक स्कूल में एक टॉपिक आता है, आर्टिकल है, प्रीपोजिशन है, बट ये श्योर नहीं है कि इनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हो सकता है कि ना भी आए. लेकिन आरएमएस के अंदर पैटर्न फिक्स है, अगर प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है, तो देयर विल बी क्वेश्चन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक. दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस. सेकंड डिफरेंस इज दैट कि जो आरएमएस का जो पेपर है या आरएमएस जो एंट्रेंस एग्जाम है, उसमें इंग्लिश सिर्फ क्वालिफाइंग है. मेरिट के अंदर इनके नंबर एड नहीं होते, लेकिन सैनिक स्कूल के अंदर इनके नंबर जो है वो मेरिट के अंदर एड होते हैं. दिस इज ऑल्सो द बिगेस्ट डिफरेंस. हाँ, मेजर डिफरेंस. थर्ड डिफरेंस इज दैट मैम, RMS are only 5 in all over India. Yeah. तो सीट वाइज अगर हम देखें तो RMS के अंदर थोड़ा सा कॉम्पिटिशन है, वो थोड़ा सा डेफिनेटली ज्यादा होता है कॉम्पिटिटिवली सैनिक स्कूल, क्योंकि RMS 5 and सैनिक स्कूल are more than जो आरएमएस का पेपर है, तो अगर जैसा आपका कहना है कि सैनिक स्कूल में एक फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता है, कोई भी क्वेश्चंस लाइक टॉपिक्स ज्यादा हैं, क्वेश्चंस कम है, तो कोई भी टॉपिक्स आप स्किप भी हो सकते हैं, बट इन आरएमएस वी हैव फिक्स्ड पैटर्न जो सभी टॉपिक्स कवर करेगा, उतने क्वेश्चंस उसमें आएंगे, दैट इज द डिफरेंस. एंड आरएमएस में आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, बट मेरिट के लिए सैनिक स्कूल में वो मेरिट डिसाइड करेगा आपका मेरिट. तो ये एक मेजर डिफरेंस है. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस मिस्टर हरविंदर. थैंक यू फॉर कॉलिंग मी मैम. या या, थैंक यू सो मच. तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि सैनिक स्कूल प्रिपरेशन के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, क्या क्या चैलेंजेस है जो कि जनरली बच्चे फील करते हैं, फेस करते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, एंड उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया जा सकता है बेसिकली. और स्पेशली हमने आज इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर देखा. अब हम जो अगले वीडियो में चर्चा करेंगे वो है मैथ्स सब्जेक्ट, जो कि अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सैनिक स्कूल प्रिपरेशन के लिए. हाफ ऑफ द वेटेज ऑफ मैथ्स ओनली. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.